उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री महात्मा शिव महापुराण कथा जो कि 20 फरवरी 2024 सातवें मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कल की कथा में गुरुजी ने सात बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय बताया था जो कि धन प्राप्ति का सबसे नया और विशेष उपाय है। अब हम आपको बताते हैं यह उपाय करने का दिन आ गया है, मतलब कल 21 फरवरी 2024, क्योंकि यह एक विशेष दिन है, शिव प्रदोष है। माघ माह के इस शिव प्रदोष में आपको इस बिल्कुल नए धन प्राप्ति उपाय को करना है। इस वीडियो में हम आपको यह उपाय करके भी बताएंगे और साथ में सरल भाषा में भी समझाएंगे कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। साथ ही कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि इस उपाय के अंतर्गत कुछ उनको दिक्कतें आ रही हैं, वह भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। जैसे कि जलाधारी ना होने पर हम यह अंतिम बेलपत्र जो है उसे कहाँ पर अर्पित करें, या फिर कई लोगों का प्रश्न था कि कौन सी बेलपत्र को घर पर लेकर आना है, और कई लोगों का प्रश्न था कि घर में जो बेलपत्र रखी है पहली, उस बेलपत्र का क्या करना है। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज के इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज 20 फरवरी कुशीनगर की श्री महात्मा शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि माता सती के जो पिता हैं प्रजापति दक्ष, यह किसके पुत्र हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, ब्रह्मा जी के। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए गौतम ऋषि, बी गायत्री माता, सी वाल्मीकि, डी विश्वामित्र। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अगली कथा के पहले दिन के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जो है वह सहसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। गुरुजी ने इस कथा का नाम श्री गुरु शिव महापुराण कथा बताया है और गुरुजी ने कहा इस कथा का जो समय रहेगा वह दोपहर के 2 से 5 बजे तक रहने वाला है। इस कथा में आपको सच्चा गुरु क्या होता है उसका वर्णन सुनने को मिलने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शंकर भगवान के शिवलिंग के आसपास नवग्रह विराजमान होते हैं और शिवलिंग पर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो सभी को वह प्राप्त हो जाता है और सभी प्रकार के ग्रह तृप्त हो जाते हैं और आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो सकता, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। मीना देवी जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा शादी के 30 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। कोई 10 साल, कोई 15 साल या कोई 20 साल तक इंतजार कर सकता है, पर क्या कोई 30 साल तक संतान का इंतजार कर सकता है। हमने सभी डॉक्टर को दिखाया, सभी देवी देवताओं को हमने धोख लगा के आए पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। जब भी मैं मंदिर जाती थी तो सब कहते थे यह जल्दी बांझन, अब शंकर इसकी सुनेंगे क्या। मैं बाबा से बेलपत्र चढ़ाकर रोकर विनती करती, बाबा आप मेरी लाज मत रखना, पर वह सिहोर वाला महाराज कहता है बाबा जरूर सुनता है, आप उनकी लाज रख लेना। मैंने 3 माह तक लगातार शिवलिंग का जल चढ़ाया, मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया आप गर्भवती हो और 30 वर्षों के बाद मुझे संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की तक की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप कोई भी व्रत करते हो, सोमवार का, मंगलवार का, चतुर्थी का या पंचमी का या छठ का या फिर किसी देवी देवता का जैसे कि संतोषी माता का, माता लक्ष्मी का, गुरुजी का कहना है कि किसी भी प्रकार का आप व्रत रखते हैं उसका फल देने वाले सिर्फ देवाधिदेव महादेव हैं। आपके सभी प्रकार के व्रतों का फल महादेव ही प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। उर्मिला राव जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा आपकी कथा वाराणसी में हुई थी, आप कहते हैं एक दिन की ही सही पर कथा पंडाल में सुनी गई कथा और की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। मेरी बेटी ने कहा क्या ऐसा भी होता है, मेरी बेटी बीटेक को किए उसके 5 वर्ष हो गए थे पर उसकी कहीं पर जॉब नहीं लग रही थी, पर हमने जब कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया और घर आए मेरी बेटी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मेरी बेटी ने जो सोचा भी नहीं था उसे वह नौकरी मिली, 28 लाख का पैकेज में वह नौकरी कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इंसान को अगर प्रसन्न करना है तो वह धन से होगा और भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो वह मन से होगा। आपका निर्मल स्वभाव, आपका अच्छा मन भगवान को प्रसन्न करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा किसी ने कितनी सुंदर लाइन कहा है, जितना आप ऊपर बढ़ते चले जाते हो उतना उतना आपको नीचे झुकना सीख जाना चाहिए। जितना जितना आप आगे बढ़ते जाओ उतना उतना नर्म बनते जाओ और जितना आप नर्म बनते चले जाओगे उतना आप दुनिया के लोगों के दिल में वास करोगे। पद प्रतिष्ठा आने के बाद सबको अभिमान आ जाता है, पर अगर आपका व्यवहार में नम्रता है तो उसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सीहोर में खेली जाने वाली महादेव की होली जो कि हम खेलते हैं, अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो। महादेव की होली में हम आपके साथ भी होली अवश्य खेलेंगे, आपके साथ हम
पूरे शहर में भ्रमण अवश्य करेंगे। हम रंग से होली खेलते हैं और महादेव की होली हम जब खेलते हैं तब हम पंच महादेव के साथ होली खेलते हैं, मतलब हम पांच महादेव के मंदिर में जाकर महादेव को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। हमारी सभी इंद्रियां भगवान के रंग में रंग जाए इसलिए हम महादेव की होली खेलते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा जिनको भी यह होली खेलना हो तो वह महादेव की होली में आ सकता है। जिस दिन होली होती है उस दिन हम होली नहीं खेलते हैं, उसके तीसरे दिन महादेव की होली सीहोर में खेली जाती है जिसमें आप सभी आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया जिसे हम आपको गुरुजी के अनुसार शॉर्ट में एक मिनट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो आपको सुबह के पूजन भोलेनाथ का जल और पंचामृत से अभिषेक करते हुए करना है। इसके साथ ही आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, भोलेनाथ को बेलपत्र धतूरा पुष्प आदि अर्पित करना है। आप चंदन इत्र अबीर भी अर्पित कर सकते हैं, भस्म भी अर्पित कर सकते हैं। पहले सोमवार को ही आपको मनोकामना करनी होती है, बाकी सोमवार को आपको मनोकामना करने की जरूरत नहीं होती है। सुबह की पूजन के बाद आपको थाली को रख देना है क्योंकि उसी थाली का उपयोग करते हुए आपको शाम की पूजन भी करना है। शाम को जल और पंचामृत से अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है, शाम को आपको चंदन अबीर गुलाल बेलपत्र धतूरा और पुष्प आदि से भोलेनाथ का पूजन करना है। भोलेनाथ के सामने आपको 6 दीपक रखना है, 5 दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद भोलेनाथ के सामने आपको प्रसाद रखना है और भोलेनाथ के सामने ही प्रसाद के 3 हिस्से करना है। इसके बाद भोलेनाथ से हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि वह प्रसाद प्राप्त करें। इसके बाद थाली में आपको एक प्रसाद का भाग वापस उठाकर रख लेना है, जो दीपक प्रज्वलित नहीं किया है उसे उठाकर 6वां दीपक को भी वापस थाली में रख लेना है और घर आ जाना है। घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार में बैठकर आपको सीधे हाथ की ओर उस 6वें दीपक को प्रज्वलित करते हुए घर के अंदर प्रवेश कर जाना है और भोजन करने से पहले आपको उस प्रसाद को प्राप्त करना है, उसके बाद आपको भोजन करना है। इसी प्रकार से आपको 5वें सोमवार सुबह शाम की पूजन करना है और 5वें सोमवार को आपको कोई भी 108 सामग्री और एक श्रीफल और कुछ मुद्रा अर्पित करते हुए व्रत को पूर्ण कर देना है। यह हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि पशुपतिनाथ व्रत को कैसे किया जाता है। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमने पूजन की सुबह और शाम की वीडियो बना दी है जिसमें हमने सुबह की पूजन आपको वीडियो के माध्यम से करके बताई है, शाम की पूजन भी आपको वीडियो के माध्यम से करके बताई है, पूजन थाली कैसे तैयार करना है सभी जानकारी आपको उन दोनों वीडियो में मिल जाएगी। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने आपको वह दोनों वीडियो पशुपतिनाथ व्रत की सुबह और शाम का कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में दी गई दोनों वीडियो की लिंक्स में टच करके उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको पशुपतिनाथ व्रत की पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया कई लोग कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत में एक रात्रि के पहले स्नान करो, कई लोग कहते हैं कि यह मत खाओ वह मत खाओ। इस पर उन सभी लोगों को गुरुजी ने कहा कृपया करके आप लोगों के प्राण मत खाओ। कई लोग कहते हैं कि इस व्रत में सिर्फ मीठा ही मीठा खाना होता है, तो इस पर गुरुजी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की ग्यारहवीं विशेष जानकारी की ओर। 7 बेलपत्र वाला गुरुजी का बताया बिल्कुल नया धन प्राप्ति उपाय की जानकारी अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। कल की ही कथा में गुरुजी ने यह उपाय की जानकारी दी थी जिसे करने का दिन आ गया है, मतलब कल 21 फरवरी 2024 को माघ माह के शिव प्रदोष में आपको यह विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। गुरुजी का बताया यह सबसे नया धन प्राप्ति उपाय है। उपाय सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे, गुरुजी ने जैसा बताया है वैसा ही वैसा बताएंगे, पर आपको आसानी से समझ में आ सके उस भाषा का हम उपयोग करेंगे। आपको 7 बेलपत्र 7 अलग अलग जगह अर्पित करना होता है। अब कहाँ कहाँ 7 बेलपत्र अर्पित करना है वह समझ लीजिए। 7वीं बेलपत्र आपको अपने घर में जो पानी का पात्र होता है जहाँ पे आप पानी भरते हैं उसके पास कोई कटोरी में आपको उस बेलपत्र को रख देना है, अर्पित कर देना है। इसके बाद उसी पात्र से आपको एक कलश में जल भर लेना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच जाना है। इसके बाद 6वें नंबर की बेलपत्र आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। 6वें नंबर की बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल भी अर्पित कर देना है, पूरा जल अर्पित नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शिवालय पहुंच जाना है और 5वें नंबर की बेलपत्र आपको नंदी के उठे हुए पाँव के पास अर्पित कर देना है। 5वीं बेलपत्र नंदी के उठे हुए पाँव के पास अर्पित करने के बाद 4थी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। 4थी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद 3रे नंबर की बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित कर देना है। इसके बाद 2रे नंबर की बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद अंतिम बेलपत्र आपको ऊपर बंधी हुई शिवलिंग के जो जलाधारी होती है उस पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो कलश का जल आपके पास बचा हुआ है कलश का पूरा जल आपको उस बेलपत्र और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद जो आपने अंतिम बेलपत्र अर्पित की है उस अंतिम बेलपत्र को आपको प्राप्त करके घर ले आना है।
अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो हम क्या करें। तो आप भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम स्मरण करते हुए जया, विशरा, शामली वाली, दोतली देव, इनका स्मरण करते हुए अंतिम बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं और उसे प्राप्त करके ला सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न है घर में जो पानी के पात्र के पास हमने बेलपत्र रखी है उसका क्या करें, उस बेलपत्र का क्या करना चाहिए। तो उस बेलपत्र को आप उपाय करने के बाद विसर्जन कर सकते हैं। घर में लाई हुई अंतिम बेलपत्र को आपको किसी चालीसा या पुस्तिका में संभाल कर रख लेना है। अब यह आपके घर में ऐसा सहयोग बनाएगी कि आपके घर में धन के भंडार खुलना निश्चित है। यह उपाय हमने आपको सरलता से समझाने का प्रयास किया है, पर अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।